नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तरफ सरकार देश से गरीबी मिटाने का दावा करती है तो वहीं दूसरी तरफ गैस की बढ़ोतरी से नाराज मुसहर बस्ती के सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने रोड पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। कुशीनगर जनपद के गुरुवलिया बाजार में सैकड़ों महिलाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहां की स्थानीय शकुंतला देवी का कहना है कि दिन भर मजदूरी से 100 रुपया आता है तो हम लोग गैस के लिए 900 रुपये कहाँ से लाएंगे। अगुवाई में उतरे विनोद कुमार यादव का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण गैस का दाम जहां 300 से 400 के करीब होना चाहिए था आज 900 हो गया है, जिससे गरीब जनता गैस पर खाना नहीं बना पा रही है। गरीबी मिटाओ का नारा देने वाली सरकार हमें तो लगता है कि गरीबों को ही मिटा देगी। गैस के दाम को लेकर गरीब जनता के साथ प्रदर्शन व मांग करते हुए कहा कि गैस का दाम 300 से लेकर 400 के बीच किया जाए, नहीं तो ये जनता सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएगी। इस अवसर पर शकुंतला देवी, सुनीता देवी, गीता देवी, मंजू देवी, कौशल्या देवी, फिरोज आलम, मेहताब आलम, विकास गुप्ता, जनार्दन आदि लोग मौजूद रहे। सरकार जो है दिन प्रतिदिन गैस के दाम बढ़ाते चली जा रही है। एक समय था कि गैस का दाम 300 से 400 के बीच हुआ करता था, आज जो है महंगाई चरम पे है और आज गैस के दाम 900 रुपये होंगे। ये बतलाइए कि जो मजदूर दिन भर में 100 रुपये कमाता है वो 900 रुपये का गैस कैसे भराएगा। सरकार का नारा है गरीबी मिटाओ, लेकिन हमको तो लगता है कि गरीब को ही मिटा देगी। आए दिने जो है महंगाई बढ़ती चली जा रही है और जो भी गरीब है उसका निवाला छीनता चला जा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो गैस के दाम आज 900 रुपये के आसपास हो गए, उसका दाम घटा के कम से कम 300-400 के बीच कर दिया जाए कि गरीब जनता भी